गुड मॉर्निंग राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज के दिन में एकादशी था, जो बड़ा एकादशी था ना फ्राइडे को, तो उस दिन हम लोग सुबह सुबह मतलब एकादशी का प्रसाद थोड़ा सा नाश्ता करके फिर हम लोग ऐसे ही पैदल निकल चुके थे कि वृंदावन के नज़दीक जितना मंदिर है वो पैदल ही दर्शन करेंगे। तो अभी आए हैं देखो कांच मंदिर में, तो इधर भी भगवान का ऐसे ही मतलब विग्रह नहीं है, बस फोटो है, तो उधर ही पूजा होता है। लेकिन मंदिर बहुत सुंदर है, पूरा कांच का, मतलब रात के टाइम शायद और सुंदर लगेगा जब लाइट चालू होगा। तो हम लोग दिन में दर्शन किया है तो बहुत अच्छे लग रहे थे एकदम। तो आज का दिन हम लोगों का वृंदावन में मतलब लास्ट डे है, तो इसीलिए देखो कितना चमक रहा है एकदम चारों तरफ से। तो लास्ट डे है तो सोचा पैदल जितना हो सके उतना दर्शन कर लेंगे, करके हम लोग कल, मतलब कल हम लोग का टिकट है, तो आज ऐसे ही पैदल दर्शन, और ऊपर से एकादशी भी था ना तो पैदल दर्शन करना अच्छा रहेगा सोच के हम लोग सब पैदल ही दर्शन कर रहे थे। तो चलिए क्या क्या दर्शन होता है। ज़्यादातर मंदिर में इतना भीड़ था ना, फोटो नहीं खींच पाए थे, मतलब वीडियो भी नहीं कर पाए, फोटो भी नहीं खींच पाए, और ऊपर से बंदर का ही है, तो एक जन का एक्चुअली बंदर ने ना काट भी लिया था। तो वो देखो झांझ बजा बजा के जा रहे हैं ना, तो हम लोग आवाज़ देखे गए तो उनको ही काट लिया था। वो मंदिर में जाके भी ना झांझ बजाया था तो गुस्से में आके ना बंदर ने काट लिया था, ऐसा हुआ। और इधर से हम लोग गोपी ड्रेस खरीदने वाले थे, तो ये देखो देख रही थी कि कितने सुंदर सुंदर गोपी ड्रेस टंगा हुआ है, तो सोचा कि इधर से खरीदेंगे वो, क्योंकि बहुत सारा मतलब था इधर, तो इधर से गोपी ड्रेस खरीदे थे हम लोग। और अभी जा रहे हैं कौन सा मंदिर में, तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये बोल रहे थे रंगनाथ जी मंदिर, तो चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो हम लोग थोड़ा ऐसे ही इधर से परिक्रमा करके फिर उधर से आके दर्शन किया है, तो चलिए दर्शन करा देती हूँ आप लोगों को भी। ये देखो इधर से परिक्रमा कर रहे थे पूरा मंदिर के चारों तरफ से, एक बार घूम के फिर जाके दर्शन किया, उसके बाद इधर से निकल गए और फटाफट दर्शन करके निकाल रहे थे, क्योंकि ना आज का दिन ही है, क्योंकि निधिवन में भी जाना है। इस बार निधिवन नहीं गए थे तो लास्ट डे में एकदम निधिवन में गए थे। तो ये देखिए दर्शन कर लीजिए। तो इधर ना आजू बाजू में कौन सा मंदिर है सब, मतलब एक साथ में दर्शन किया, अच्छे से याद भी नहीं है। तो इधर जो सोने का खम्बा है वो भी है, तो आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। और इधर का देखो कितना सुंदर करके एकदम मंदिर है, वो 84 खम्बा जैसा पूरा मंदिर का ये है लग रहा था पूरा। तो चलिए आप लोगों को सोने का खम्बा दर्शन कराती हूँ। और इधर एक शीश महल भी है, शीश महल में हम लोग गए नहीं, बहुत सुंदर है एकदम, मतलब बोल रहे थे उस उधर मतलब ना टिकट निकाल के जाना पड़ेगा, तो हम लोग गए नहीं क्योंकि लेट हो जाएगा करके, ग्रुप में थे ना तो कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा फिर इधर उधर मतलब हो जाएगा सब ग्रुप से, तो इसीलिए हम लोग गए नहीं। और इधर ना देखोगे एक एक जगह पे ना कितने सारे लोग करके इकट्ठा खड़े हैं, तो एक एक जन का ना मतलब ग्रुप है, और ग्रुप का एक जन जो गाइड होता है वो सबको समझा समझा के लेके जा रहे थे। और ये देखो सोने का खम्बा, ये जो है ये बोलते हैं सोने का खम्बा है, तो शीश महल के बाजू में ही है, तो शीश महल में इस मतलब ये सोने के खम्बे के बाजू में ही शीश महल है, हम लोग गए नहीं जो। तो इधर का मंदिर का दर्शन करके हम लोग फिर जाएंगे निधिवन, निधिवन में दर्शन करेंगे, लास्ट दर्शन शायद वही होगा। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं। इधर का तो इतना भीड़ था ना बाप रे, हम लोग मतलब कितने मुश्किल से भगवान जी का दर्शन मिला है, बहुत प्रॉब्लम हुआ है इधर, दर्शन ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये देखो इतना बड़ा एरिया है और एक एक जन के ग्रुप में कितने सारे लोग भी है, लेकिन देखो सब अलग अलग करके एक एक जगह पे बिठा के पूरा कौन सा मंदिर का कौन सा स्टोरी है क्या है सब समझा रहे थे, फिर दर्शन करा रहे थे ऐसे ऐसे करके। और बहुत लोग आए थे ना, कोई गुजरात से ग्रुप आया, कोई महाराष्ट्र से ग्रुप आया, कोई मतलब राजस्थान से, ऐसे ऐसे करके अलग अलग सब देश से आए हैं, तो अलग अलग करके सब मतलब दर्शन कर रहे थे। ये देखो कितने सारे करके लोग बैठे हैं एक साथ। हम लोग का बंगाली ग्रुप ही कितना था, हम लोग थे फिर और भी एक देखा पूरा एकदम बंगाली ग्रुप है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत जन आ रहे थे। और अभी आ गए हैं हम लोग निधिवन में, निधिवन का दर्शन करते हैं। चलिए
इधर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर रुकने का मन करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक तो रुक नहीं पाएंगे क्योंकि मतलब एक तो एकादशी है, कोई खाए पिए ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही नाश्ता करके निकले थे। लेकिन एक अच्छी बात हो गया कि बड़ा एकादशी ऊपर से वृंदावन में, और ऊपर से पैदल चल चल के मतलब हरिनाम करते करते पूरा जितना हो सके परिक्रमा किया ना, तो मेरा मन एकदम खुश हो गया कि हाँ वृंदावन में एकादशी के दिन ऐसे परिक्रमा करते हुए हरिनाम करते हुए, तो एकदम बहुत अच्छा मतलब दिल को बहुत सुकून मिला। जबकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब भी हो गया था क्योंकि ना सुबह का जो नाश्ता था उसमें गर्म दूध दिया गया था, तो मैं कभी एकादशी में दूध खाली पेट कभी पीती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा जो फ्रूट्स और क्या क्या दिया था उसके साथ सोचा आज मतलब दूध पी लेती हूँ, क्या सोच के पी लिया था पता नहीं, तो मेरा बहुत वो मतलब पेन होना चालू हो गया था पेट में बहुत एकदम, तो नहीं पीना चाहिए था मुझे। तो पिछले बार ना ये सब घेरा हुआ नहीं था, मैं मतलब लॉकडाउन से पहले जब मैं गई थी ना तो ये सब घेरा हुआ नहीं था, इधर से झाड़ के मतलब पेड़ के नीचे से ही मैं मिट्टी लेके आई थी पिछले बार, लेकिन इस बार देखा पूरा घेरा हुआ है, तो उसके साइड से थोड़ा सा मिट्टी निकाल के लेके आई हूँ क्योंकि वृंदावन का मिट्टी मतलब मुझे बहुत पसंद है कि हर बार लेके आती हूँ, तो इस बार देख रही हूँ पूरा घेर दिया है, लेकिन उसके अंदर भी इतने बंदर थे ना बाप रे। तो इधर ना सब लोग नाच रहे थे, गाना गा रहे थे क्योंकि बोलते भगवान जी मतलब रात के बाद इधर आके विश्राम करते, तो ये बहुत पवित्र जगह है। तो मैंने 2 दिन पहले जो मेरे चारों बच्चों का सिंगार के लिए दिया था वो प्राण रख के फिर मतलब बांके बिहारी के मंदिर में उसके बाद सिंगार करने दिया था, तो आज लास्ट डे है, बाबू लोगों को लेने आए थे मतलब शाम के टाइम है ये, तो चारों जन का देखो श्रृंगार हो गया और एक जैसा ही श्रृंगार करने बोला था। और ये जो दुकान है ना ये शंकर करके है, मतलब इधर ही श्रृंगार होता है बहुत सुंदर करके, और श्रृंगार का सामान भी इतना मिलता है ना बाप रे, पूरा दुकान भरा हुआ है, तो इधर से ही सब कुछ हम लोगों ने खरीदा भी और इधर से ही लिया सब कुछ। तो कभी भी जाएंगे तो इन लोगों के पास ही जाएंगे क्योंकि थोड़ा जान पहचान हो गया है, और मैं ऑनलाइन से भी मंगाती थी या फिर मेरी भाभी भी मतलब वृंदावन में लड्डू गोपाल को लेके जाके जो सिंगार कराते थे ना इनके दुकान से ही कराते थे, तो इसीलिए सोचा इधर से ही कराएंगे नेक्स्ट टाइम भी। और ये देखो सिंगार होने के बाद फिर लड्डू गोपाल को लेके मैं मंदिर में आई, मंदिर बंद होने वाला था तो एक भैया के मतलब पापा के हाथों से फिर भेजवाया, फिर बांके बिहारी के मतलब उधर स्पर्श करके वो प्राण मतलब प्रतिष्ठा करा के फिर मेरे को ला के दिया, तो हम लोग बैठे थे इधर और वो लड्डू गोपाल को लेके गए थे, तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करा के फिर हम लोग के हाथ में देंगे करके, तो हम लोग उधर इंतज़ार कर रहे थे। और ये साइड में बांके बिहारी के मंदिर के मतलब ये शायद राइट साइड लेफ्ट साइड में है, तो इधर सब दिया जलते हैं, कोई कोई मतलब बहुत जन जाल रहे थे देखा था, तो हम लोगों ने तो जाला नहीं, ऐसे ही दर्शन करके आ गए थे। तो ना बांके बिहारी के मंदिर में मतलब शयन के बाद ना सारे सब जो भक्त थे ना सब लोरी गा के मतलब जैसे भगवान को सुला के फिर मंदिर से निकलते थे, तो लोरी गा रहे थे सब। तो हम लोग तो चले गए थे शाम के टाइम भी बांके बिहारी जी के मतलब दर्शन और श्रृंगार ये सब मतलब लड्डू गोपाल को सब लेने के लिए, सब श्रृंगार का सामान वामान खरीदने के लिए। तो इधर ना हम लोग जो मतलब आश्रम में रुके थे उसी आश्रम में उस दिन ना भागवत कथा चल रहा था, तो ये देखो नीचे के साइड में घेर के थोड़ा भागवत का कथा चल रहा था, तो बहुत सुंदर करके मतलब भागवत हुआ था। तो मेरी एक दीदी थी ना तो दीदी ने वीडियो करके मतलब ये किया था दिया था मुझे, बोलते देखो कितना सुंदर हुआ था, सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा दो मतलब दिखा दूँ थोड़ा कैसे हुआ था, तो बहुत सुंदर हुआ था एकदम। Oh
कोई मथुरा नगर ना।